एक बार फिर स्वागत है। देखते हैं कुछ और खबरें। खुशियों के त्योहार दिवाली पर जहां चारों ओर रोशनी और पटाखों की धूम थी, वहीं इस त्योहार के बीच कुछ आगजनी के हादसों ने दीपावली के जश्न को थोड़ा गमगीन कर दिया। फायर ब्रिगेड के फायर ऑफिसर हबीब खान ने बताया कि शहर में दीपावली के दौरान अलग अलग 8 स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, जिसमें श्री टाकिज के पास जनरल स्टोर के बोर्ड में आग लगी, लोहागल में और चंद्रवदाई नगर में चारे के बाड़े में, माकड़वाली तिराहे पर झाड़ियों में, कोटला पसंद नगर और सर्वेश्वर नगर में खाली प्लॉट में पड़े कचरे में और तानाजी नगर गली नंबर 2 में कबाड़ी के गोदाम में आग लगी। सभी आगजनियों में 2 से 3 लाख का नुकसान होना बताया गया। कहीं से भी जनहानि की कोई सूचना नहीं है। अनुमानतः आतिशबाजी के दौरान छोड़े गए पटाखों से आग लगना माना गया। विभाग पूरी तरह मुस्तैद था। 12-12 घंटे की हमने ड्यूटी लगा रखी है। मैं खुद यहाँ मौजूद था और हमारे CFO साहब भी यहाँ पे थे। रात को करीब 12-13 जगह आग लगी, जिसमें करीब एक आग तो वहाँ तान जगह में गोदाम था कबाड़ी का, उसमें बहुत ज़्यादा लगी थी आग, जिसमें हमारी 4-5 गाड़ी लगी थी। एक शीटा के पास में दुकान थी, उसमें करीब 1 लाख का नुकसान हुआ है। कुछ कुछ प्लॉटों में आग लगी थी। कुल मिला के काबू कर लिया गया और स्थिति नियंत्रण में। कहीं से पटाखा चल के आया होगा, एक्चुअल कारण से मैं नहीं बता सकता हूँ, पर दिवाली के अवसर पर सिर्फ यही अंदाज लगा सकता हूँ कि कोई पटाखा चल के आया होगा और यहाँ पे आग लग गई। और बहुत थिकली पॉपुलेटेड एरिया है यहाँ, यहाँ बड़ी मुश्किल से तो ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत टाइमली आए, बहुत टाइमली हेल्प किए। अच्छा सर, 3-4 मकान बिल्कुल साथ में है, सबके घरों में गैस है, बिजली का कनेक्शन है, अगर एक बार इलेक्ट्रिक वायर और ये गैस आग पकड़ ली तो हादसा बहुत गंभीर होता।